मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में होने वाली है केवल रीडिंग एंड रीडिंग। केवल हम पढ़ने वाले हैं, ना ही वर्ड की मीनिंग बताने वाला हूं, ना ही ट्रांसलेशन करने वाले हैं। ये वीडियो मैं क्यों ला रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं कि सर आप जब ट्रांसलेशन मतलब करते हैं या फिर आप उसका मतलब बताते हैं तो रीडिंग में हम ध्यान नहीं दे पाते, केवल मीनिंग मीनिंग हमारे ध्यान में आता है। तो सर केवल आप एक क्लास बनाइए, वीडियो बनाइए, ताकि केवल रीड करके बताइए। हमें बहुत सारे कन्फ्यूजन है वर्ड्स को पढ़ने में कि कैसे इसे पढ़ा जाता है। भाई कई लोग इसे ब्रेव लिखा हुआ ब्रावे पढ़ते हैं, ये नाइट पढ़ते हैं कई लोग, जबकि नाइट लिखा हुआ है। ऐसे बहुत सारे हेड लिखा हुआ कई लोग हार्ट पढ़ते हैं। भाई बहुत से लोग से होती गलती, और जिन्हें आता है उन्हें तो प्रॉब्लम नहीं है, वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। यदि उन्हें अच्छे से इंग्लिश पढ़ने आती है तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, अपना टाइम बर्बाद ना करें। लेकिन यदि जिन्हें कन्फ्यूजन है कि हो सकता है कई वर्ड आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होती हो, तो वो कन्फ्यूजन आज आपकी दूर होने वाली है। आपको बहुत सारी छोटी छोटी और बहुत काम की चीज बताने वाला हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है, स्टोरी रीडिंग में क्या होता है, जब मैं कोई वर्ड को आपको पढ़ के बता रहा हूँ, उसका प्रोनाउंसिएशन बता रहा हूँ, उच्चारण कैसे होता है बता रहा हूँ। भाई जैसे मैंने इसे बता दिया नाइट, अब नाइट लिखा हुआ है, अब इसका रूल वगैरह मत जाइए, भाई क्या रूल है, क्यों के को ऐसे कर रहे, क्यों जी को साइलेंट है, ये रूल में जाएंगे ना आप तो आप कंफ्यूज होंगे। क्योंकि एक के लिए यदि रूल बताऊंगा तो वही रूल दूसरे जो वर्ड है उसमें काम करेगा, जरूरी नहीं है। भाई ऐसे ही होता है इंग्लिश में, कई जगह हम बोलते हैं इंग्लिश में लास्ट को ई को नहीं पढ़ा जाता, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड जैसे फिनाले, वहां पे लास्ट में हम ई को पढ़ते हैं। भाई ये तो बहुत सारे रूल ऐसे हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ रूल में आप जाओगे ना तो कंफ्यूज जाओगे। इससे अच्छा जितने भी वर्ड आपको पढ़ के बताने वाला हूँ, एक ये पैराग्राफ और एक पेज में इतना ही पैराग्राफ और है, बस इतना ही होने वाला है। तो उसमें जितने भी वर्ड हम पढ़ने वाले हैं, उच्चारण करने वाले हैं, वो हमेशा लाइफ टाइम आपको पता हो जाएगा कि इसका उच्चारण कैसे करते हैं। फिर ये कहीं मैगजीन में आपको दिखे, न्यूज़पेपर में दिखे, चाहे आपको टीवी में एडवर्टीजमेंट में दिखे, कहीं आपके बुक में दिखे, तो आप आसानी से समझ जाओगे कि इसे क्या कहते हैं। फिर आपको रूल वूल की जरूरत नहीं है, केवल आप पढ़ना आपको आना चाहिए सही सही, ठीक है। तो कोई मीनिंग नहीं, कोई ट्रांसलेशन नहीं, केवल रीडिंग। तो सॉरी आपका थोड़ा समय ले लिया, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को कर देंगे लाइक, देखते हैं द, अब इसे द भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं, ठीक है। दी, दी कब पढ़ते हैं, जब उसके आने वाला वर्ड इसका जो है वो वॉयल स्टार्ट होता है, स्वर, ठीक है। आप सभी को पता है स्वर से यदि स्टार्ट होता है तो हम वहां पे दी का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए एप्पल, तो ए से स्टार्ट हो रहा है ए। भाई यहाँ पे इंग्लिश वाले में नहीं जाना, ए ई आई ओ यू वाला रूल गलत है, वो रूल बिल्कुल भी गलत है, उसमें मत जाइए। जो हमारे स्वर तो ए ई आई ओ यू होते हैं, लेकिन जो वर्ड का उच्चारण है, जो शुरुआत होता है, उसे हम स्वर कहते हैं। जैसे हिंदी में होता है ना आ आ ई ई उ ऊ, ठीक है, ए ए ओ अम आहा, इस प्रकार से। तो उस प्रकार से वर्ड का जब उच्चारण होता है तब फिर हम वहां पे उसे स्वर कहते हैं। तो उसके लिए आप मेरी आर्टिकल वीडियो देख लेंगे, आर्टिकल विष्णु एडीपी, आपको क्लियर हो जाएगा कि ए ई आई ओ यू वाला रूल क्यों गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं द भी पढ़ते दी भी पढ़ते। जैसे द पढ़े क्योंकि इसके आने वाला, इसके बाद वाला वर्ड क्या लिखा हुआ है, जो वी अल, जोवियल, ठीक है, जोवियल लिखा हुआ है। तो ये ज, तो ये तो स्वर नहीं है, तो इसलिए हम द पढ़ रहे हैं। यही यदि एप्पल होता है, एप्पल, तो हम इसे दी एप्पल बोलते, द एप्पल नहीं बोलते, बस छोटा सा रूल है। तो इसे द और दी दोनों पढ़ते हैं, द जोवियल इसे पढ़ के मैंने बता दिया। अब इसे क्या पढ़ते हैं, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, इसे हम पढ़ते हैं नाइट। क्या पढ़ते हैं, नाइट, नाइट। अब बोलेंगे सर के को भी आप नहीं पढ़ रहे हो, जी को भी आप नहीं पढ़ रहे हो, केवल नाइट पढ़ रहे हो, वो भी कंफ्यूजिंग है। जी हाँ, इंग्लिश में ऐसे ही होता है, आप बहुत ज्यादा रूल में जाओगे तो कंफ्यूज जाओगे। क्यों नहीं पढ़ रहे हैं के और जी को, के यहाँ पे साइलेंट है, के एन यदि एक साथ होता है ना, जैसे कि नो, के एन ओ डब्ल्यू, नो, वहां पर भी आप नो नहीं पढ़ते, नो पढ़ते हैं। इसी प्रकार से नी होता है, नी यानी होता है आपका घुटना, तो वहां पर भी के साइलेंट होता है। उसी प्रकार से आप पढ़ते हैं यदि नाइफ, हम क्या करते हैं नाइफ, तो वहां पर भी नाइफ में आप देखेंगे के साइलेंट होता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका नॉक हो गया, नॉक नॉक जो बोलते हैं खटखटाते, वहां पे भी के एन है, तो के साइलेंट होता है, उसके बाद का ही हम केवल पढ़ते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे केवल नाइट लिखा हुआ है, जी भी साइलेंट है। तो मैंने बताया ना, यदि आपको रूल में जाओगे तो आप कंफ्यूज होंगे कब साइलेंट है कब नहीं, उसको छोड़िए, इसे हम पढ़ते हैं नाइट, इतना आप याद रखिए नाइट, के को नहीं पढ़ते हैं। और यहाँ पे एक चीज आपको बताया, तो वैसे तो मीनिंग नहीं बताने वाला था, फिर भी बहुत से लोग सोच रहे होंगे सर ये नाइट का मतलब रात होता हुआ क्या, नहीं, ये जो नाइट है जो के से स्टार्ट होता है, इसका मतलब होता है शूरवीर, शूरवीर का मतलब होता है योद्धा, ठीक है, लड़ाकू, उसे शूरवीर कहते हैं। और केवल एन आई जी एस टी लिखा होता, के नहीं लिखा होता, तो वाला नाइट यानी रात, गुड नाइट, रात वाला, क्लियर हो गया। अब भाई वर्ड की मीनिंग नहीं बताने वाला, ठीक है, इसका ट्रांसलेशन बाद में कर दूंगा जब आप लोग बोलेंगे। अब देखते हैं लॉन्ग, ये एल यहाँ पे लिखा हुआ है, लॉन्ग लॉन्ग अगो, ठीक है, क्लियर हो रहा है, बस सुनते जाइए इसे क्या पढ़ते हैं। इसे लॉन्ग पढ़ते हैं, हमेशा लॉन्ग ही पढ़ेंगे, बस यहां तक ध्यान रखिए। देयर, इसे हम क्या पढ़ते हैं, देयर, लिव्ड, लिव्ड, ईडी लिव्ड एक साथ लिखा हुआ, ठीक है, लिव्ड,
अ ब्रेव, ब्रेव, ब्रेव। देखिए यहां पे ई का उच्चारण लास्ट में है तो नहीं हो रहा है, कहीं कहीं होता है कहीं कहीं नहीं होता है, तो उसमें ध्यान मत दीजिए, ज्यादातर जगह ई का उच्चारण लास्ट में नहीं होता है, ठीक है। ब्रेव नाइट, मैंने आपको बताया नाइट, क्लियर होगा यहां तक के, लास्ट में आपको पूरा एक साथ स्पीड से अच्छे से पढ़ के सुना दूंगा। ही, ठीक है, ही पढ़ेंगे, हे नहीं पढ़ना है आपको, ही। हैड, ये भी क्लियर हो गया, हैड, ठीक है, आपको गलत गलत नहीं बताऊंगा तो आप पता चल रहा है आप गलत ही ज्यादा सीखे, जैसे मैं इसे हैड, हार्ड हार्ड बोलूंगा, हार्ड नहीं पढ़ना है, हार्ड नहीं पढ़ना है, पता चल रहा है आपके माइंड में वही आ गया, सर ने हार्ड हार्ड कुछ कहा था भाई, इसलिए मैं गलत नहीं बताऊंगा, सीधा सीधा सही पढ़ता हूं, ज्यादा अच्छा बताने चक्कर में गलती हो जाती है। ही हैड शोन, शोन, रेयर, इसे हम पढ़ेंगे रेयर, मैंने बताया लास्ट का ई को आपको नहीं वो करना है, ठीक है। ब्रेवरी, ब्रेव री, ब्रेवरी, ब्रेवरी इन मैनी, मैनी, मैनी बैटल्स, बैटल्स, बैटल्स। ही वॉज एन एस, क्या लिखा हुआ है, एस, स्वॉर्ड, स्वॉर्ड, फाइटर, 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 एंड अ चैंपियन, 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 राइडर, राइडर, ठीक है, राइडर पढ़ेंगे इसे। ही वॉज, वॉज, वास नहीं पढ़ना है, वॉज, ही वॉज नोबल माइंडेड, नोबल माइंडेड, नोबल माइंडेड, ही वॉज नोबल माइंडेड। टू, ठीक है, ये टू में थोड़ा लंबा खींचना है, टू, एक केवल टी ओ वाला टू आता है उसे टू पढ़ते हैं, इसे टू ऐसे लंबा खींचना है, ठीक है। ही, अब ही आपको पढ़ना आ गया, बस जल्दी हो गया। ही ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज हेल्प्ड, हेल्प और ईडी है ना, इसे हेल्प्ड ऐसे पढ़ते, हेल्प्ड द पुअर, पुअर, ठीक है, इसे पुअर पढ़ना है, अ नहीं लिखा है तो भी आपको पुअर पढ़ना है, मैं जो उच्चारण कर रहा हूँ वो सही है, इतना विश्वास रखिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, मैंने बहुत इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा मैंने सर्च किया है, बहुत जगह मैंने नेट से सर्च किया, उच्चारण मैंने इसका देखा है जो एप्लीकेशन से कि कैसे उच्चारण होते हैं, भाई अभी की बात नहीं है, जब मैं इंग्लिश सीख रहा था तो मुझे अच्छे से क्लियर है इसे क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो पुअर, ये तो हो सकता है कि लोग गलत पढ़ दे, या आपको मन में लग रहा होगा सर पुअर लिखा हुआ, पुअर क्यों पढ़ रहा है, ऐसे आप मत कीजिए, बस आप मेरे मेरे ऊपर भरोसा रखिए, मैं सही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इतना भरोसा आपको रखना पड़ेगा। पुअर एंड, ठीक है, जो जो वर्ड आ गया वो तो आपको देखिए फटाफट आपको पता चलते आ रहा है। द, ये भी हो गया, नीडी, नी डी, नीडी। ही प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड, भी लंबे वर्ड है, आपको प्रॉब्लम होती है एक साथ, मुंह फंबलिंग हो जाता है, फंबल हो जाता है, तोड़ के देखिए भाई, हर वर्ड में नहीं होगा, ये भी आपको पहले बता रहा हूं, लेकिन ज्यादातर वर्ड को आप तोड़ के पढ़ेंगे ना थोड़ा सा इजी होता है। प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड, ठीक है, अब अच्छा से उच्चारण हो गया, प्रोटेक्टेड। द वीक, ई है तो भी ई ऐसे लंबा होता है, ठीक है, वीक। नेच, ये देखिए यहां पे नेचर लिखा हुआ है, नेचर और अली, तो भाई इसे एक साथ पढ़ते हैं तो नेचुरली, क्या पढ़ते हैं, नेचुरली, अलग अलग पढ़ोगे तो नेचर लिखा हुआ है, नेचर, अली लिखा था, नेचुरली ऐसे पढ़ेंगे नहीं तो नेचुरली, थोड़ा इस प्रकार से उच्चारण होता है, नेचुरली, ठीक है। पीपल, पीपल लव्ड, लव्ड, ठीक है, लव्ड, यहां पे देखिए ओ का उच्चारण अ हो रहा है, ठीक है, लोवेड ऐसे लव्ड केवल। हिम एड मायर्ड, ठीक है, एड मायर्ड, एड मायर्ड। हिम एंड रिस Respected, respected, ठीक है, respected him, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, बाद में जब आपको अच्छे से पढ़ के सुनाऊंगा एक साथ तो और आपको अच्छा लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए बहुत सारे वर्ड अब वही वही आने वाले हैं जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। द नाइट, अब ये नया है तो उसे थोड़ा सा जोर डालूंगा मैं। हाउ एवर, हाउ एवर, हाउ एवर हैड अ सीक्रेट, 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 सीक्रेट। विच, विच, विच वॉज नॉट नोन,
ठीक है, नोन आपको बताया था के वाला है ना, साइलेंट वाला, तो नोन टू मोस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल, नॉट इवन टू हिज क्लोज क्लोज फ्रेंड्स फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड्स, ही वॉज क्वाइट क्वा और आई, ठीक है क्वाइट, बॉल्ड बॉल्ड, इसे बाल्ड नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा आ, ओ भी नहीं, बोल्ड भी नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा आ, बॉल्ड ऐसे, ठीक है बॉल्ड, ही वोर वोर अ विग टू कवर कवर, ओ का देखिए यहां पे अ ध्वनि निकल रहा है, अ कवर, ठीक है, अब वाला नियम आप बोलते हैं कि सर यहां पे वी के बाद ई लिखा हुआ है, इसे कोवेर ऐसे, नहीं गलत, ठीक है कवर, हिज बॉल्ड हेड हेड, अब आप बोलेंगे जैसे मैंने बताया ना, थोड़ा सा आपको बता भी रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, देखिए जैसे लिखा हुआ हेड, आप बोलेंगे सर ई ए है, तो यहां पे आप बोल रहे हो एच के साथ ई है, तो हम ए ध्वनि निकाल रहे हैं, क्या ए हेड ऐसे बोल रहे हैं, अब भाई इसी को मैं आपको बोल दूं, यहां पे मान लीजिए आर लिखा होता तो एच के जगह आर, तो क्या आप इसे रेड बोलते हैं क्या, नहीं आप इसे क्या बोलते हैं रीड, क्या आप इसे क्या बोलते हैं रीड पढ़ते हैं उसे, तब तो फिर नियम गलत हो गया ना, ऐसे में हेड है और आर लगा देंगे तो रीड हो जा रहा है, अरे ऐसे कैसे हो जा रहा है भाई, इसे हम हेड पढ़ रहे हैं तो उसे रेड पढ़ना चाहिए, नहीं उसे रीड पढ़ते हैं, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं इस नियम के चक्कर मत पढ़िए, जो पढ़ रहा हूं उसे ध्यान दीजिए, अगले बार आप सही पढ़ेंगे, तो ये हो गया हेड, द विग वॉज सो परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है परफेक्ट ऐसे बोलते हैं, लेकिन अभी परफेक्ट ऐसे पढ़ेंगे, एंड fitted 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 his head so well that no one could, इसे हम could पढ़ेंगे, could नहीं पढ़ना, could केवल could, l silent होता है, could make out that he was bald, ठीक है बहुत easy है, इतना तो आपको आराम से आता है, इसके बाद नेक्स्ट पेज फिर खत्म हो जाएगा, फिर एक साथ स्पीड से पढ़ के दिखा दूंगा, वन डे द नाइट एंड सम, देखिए इसे अ ध्वनि निकल रहा है सम, ठीक है इसे आप ओ वाला नहीं निकालेंगे, सम ऑफ हिज फ्रेंड्स वेंट वेंट हंटिंग 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 एज दे वर, ठीक है वर एक वेयर होता है, आपको बता देता हूं कंफ्यूज ना हो, ये होता है वेयर, वेयर यानी होता है कहां, वेयर यानी कहां, और ये वर यानी थे, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है तो वर बोलेंगे, ठीक है तो दोनों में कंफ्यूज मत होइए, वेयर और वर, राइडिंग राइडिंग अलोंग 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 ऑन देयर देयर हॉर्सेस 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 A strong strong gust gust, देखिए यू है लेकिन अ ध्वनि निकल रहा है, गुस्ट नहीं पढ़ रहे, अ गस्ट ऑफ विंड, यही सब में तो प्रॉब्लम होता है, ये नहीं बोल रहा हूं आपको अभी तक पढ़ने नहीं आता तो आप अपने आप को बहुत छोटा समझिए कि अरे कितना कंफ्यूज कितना गलती होती, नहीं नहीं हमसे भी होती थी, हम तो हिंदी मीडियम वाले, हमको तो मत पूछिए, इसलिए मैं समझ सकता हूं कि प्रॉब्लम क्या है ना, ज्यादा नहीं बोलता भाई, आगे बढ़ते हैं, ब्लू ब्लू, ठीक है W को हम ऐसे ओ, ब्लू ऑफ द नाइट्स नाइट्स हैट अलोंग विथ वी थ विथ हिज विग विग, ठीक है यहां तक क्लियर हो गया, और स्टोरी फिर अभी तो रीडिंग करूंगा, फिर आप देखेंगे जब रीडिंग करूंगा तो आप लोग स्टोरी आपको समझ आ रही नहीं था, ट्रांसलेशन आपको सिखाया हूं, क्या पता आपको स्टोरी भी समझ आ जाए, ठीक है पहले इसको देखते पढ़ते हैं, इतना ही है फिर हो जाएगा, ठीक है सडन सडन, देखिए डी लिखा हुआ है तो डबल डी है तो भी आपको इसको ड पढ़ना है, सडन ऐसे नहीं पढ़ना, ठीक है सडन ऐसे ही पढ़ना है आपको, क्यों डबल होता है मैंने बताया ना, नियम में ज्यादा मत जाइए, सडन पढ़ना है इसे, डिसकवरी डिसकवरी डिस्कवरी ऑफ द नाइट्स बाल्डनेस बाल्डनेस, ठीक है बाल्डनेस बाल्डनेस अम्यूज्ड अम
यूज्ड, अम्यूज्ड, अम्यूज्ड, ठीक है. हिज फ्रेंड्स दे नेवर 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 न्यू न्यू दैट देयर जोवियल फ्रेंड वॉज बॉल्ड. दे, अब यहां पे देखिए लाफ्टेड, क्या लिखा हुआ है, लाफ्टेड. अब आप बोलेंगे सर ना फ तो दिख ही नहीं रहा है, जी को पढ़ ही नहीं रहे हो, है ना, और यहाँ पे यू भी दिख रहा है वो भी नहीं पढ़ रहे हो, तो भाई पहले ही बता दिया आपको मैंने, जो पढ़ रहे हो भाई मान लो आप यही सही है. या गूगल उच्चारण वाले में जाएंगे ना, जहाँ पे ट्रांसलेशन होता है वो जो बताते हैं आप प्रोनाउंसिएशन, उससे भी आपको पता चल जाएगा. देखिए लाफ्टेड, लाफ्टेड, ठीक है, तो उसे हम लाफ्ड पढ़ेंगे, सॉरी लाफ्ड, क्या पढ़ेंगे, लाफ्ड. क्यों, देखिए लाफ्ड लिखा हुआ है बस, लाफ्टेड नहीं लिखा हुआ है क्योंकि हमें टी नहीं लिखा हुआ है ना, केवल लाफ्ड पढ़ते हैं इसे. दे लाफ्ड एट हिम एंड सैड, ठीक है, सैड, ए आई का ए ऐसे थोड़ी निकलता है, सैड. वाई यू आर एस बॉल्ड एस एन एग. यू ऑलवेज पोज्ड, पोज और ईडी का अर्ड है ना, पोज्ड इस प्रकार से पढ़ते हैं, पोज्ड योर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ एज अ यंग, ठीक है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, यंग मैन. एंड फूल्ड, फूल और ईडी का है मतलब आधा लॉर्ड डब, फूल्ड इस प्रकार से पढ़ते हैं, फूल्ड अस, ठीक है, इसे अस पढ़ेंगे. अब आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही है, फिर एक बार अच्छे से रीड करके सुना दूंगा आपको. यस आई ऑलवेज, ऑलवेज ट्राइड, ट्राइड टू हाइड, ठीक है, हाइड पढ़ेंगे, माई बॉल्डनेस, बट एट द सेम टाइम, सेम टाइम आई वॉज श्योर, इसे क्या पढ़ेंगे, श्योर, ध्यान दीजिए नए नए वर्ड, उसको और ज्यादा जोर डाल रहा हूं आपको ताकि कंफर्म रहे आपको, श्योर दैट माई सीक्रेट वुड, इसे हम पढ़ेंगे वुड, ठीक है, देखिए लिखा एल लिखा हुआ है, साइलेंट है, केवल वुड पढ़ेंगे, वुड बी आउट सम डे, ठीक है, अभी तोड़ तोड़ के पढ़ रहा तो अजीब लग रहा होगा, एक साथ पढ़ के भी सुनाने वाला हूं. आफ्टर ऑल व्हेन माय ओन हेयर डिड नॉट स्टे विथ मी, हाउ कुड, देखिए जैसे वुड था वैसी कुड, आई एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट सम वन, सम वन, सम वन एल्स, एल्सेस, ठीक है, एल्स ऐसे लिखा हुआ, एल्स हेयर टू स्टे विथ मी फॉर एवर, फॉर एवर सैड द नाइट एंड लाफ्ड, लाफ्ड अभी पढ़े ना लाफ्ड, तो ये ध्यान रखेंगे लाफ्ड वाला स्पेलिंग किस प्रकार से होता है, लाफ्ड. हार्टली, 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 ठीक है. व्हेन द फ्रेंड्स सॉ द नाइट लाफिंग, लाफिंग जैसे लाफ्ड लिखा है वैसे लाफिंग है, तो इसे हम लाफ पढ़ेंगे, लाफ जी एस तक लाफ पढ़ते हैं, ईडी है तो लाफ्ड हो जाएगा, आई एन जी है तो लाफिंग हो जाएगा, ठीक है, फॉर टाइप का ध्वनि करता है, लाफ, लाफ इस प्रकार से. लाफिंग एट हिमसेल्फ, हिमसेल्फ दे फेल्ट सॉरी फॉर लाफिंग, लाफिंग एट हिम दे सेड यू आर रियली, ठीक है, रियली अ ग्रेट, ग्रेट स्पोर्ट, स्पोर्ट, ठीक है, यहां तक हो गया. अब इसका ये भी देख लेते हैं हम, मोरल की अमलीज से हमें हमें ही हु इसे हम क्या पढ़ते हैं, हु कैन लाफ, मैंने आपको बताया ना उसे लाफ पढ़ते हैं, देखिए यहां तक जी तक के लाफ एट हिमसेल्फ विल नेवर बिकम, बिकम, बिकम अ लाफिंग स्टॉक, स्टॉक. तो भाई अब जब भी लाफ वाला आएगा, लाफ, लाफिंग, लाफ, तो आप समझ जाओगे कि नहीं समझ जाओगे, कैसे पढ़ना है तो बाद में कंफ्यूज जाओगे. बस अभी एक बार स्पीड से पढ़ के सुना दो, 20 मिनट हो गया है, जिन्हें इतना ही देखना था वो आप जा सकते हैं, और यदि जिन्हें सुनना है अब थोड़ा सा स्पीड से पढ़ के सुनाने वाला हूं ताकि किस प्रकार से थोड़ा सा टूटे ना, अच्छे से लगे, तो देखते हैं कैसे पढ़ते हैं, ठीक है. द जोवियल नाइट, लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ ब्रेव नाइट, ही हैड सोन रेयर ब्रेवरी, ठीक है, रेयर ब्रेवरी
इन मेनी बैटल्स ही वॉज एन एज स्वॉर्ड फाइटर एंड अ चैंपियन राइडर. ही वॉज नोबल माइंडेड टू. ही ऑलवेज हेल्प द पुअर एंड द नीडी. ही प्रोटेक्टेड द वीक. नेचुरली पीपल लव्ड हिम, एडमायर्ड हिम एंड रिस्पेक्टेड हिम. ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है? क्लियर क्लियर है. द नाइट हाउ एवर हैड अ सीक्रेट विच वॉज नॉट नोन टू मोस्ट ऑफ द पीपल, नॉट इवन टू हिज क्लोज फ्रेंड्स. ही वॉज क्वाइट बॉल्ड. ठीक है, मैंने बोला था बॉल्ड. ही वोर अ विग टू कवर हिज बॉल्ड हेड. द विग वॉज सो परफेक्ट एंड फिटेड हिज हेड सो वेल दैट नो वन कुड मेक आउट दैट ही वॉज बॉल्ड. वन डे द नाइट एंड सम ऑफ हिज फ्रेंड वेंट हंटिंग एज दे वर राइडिंग अलोंग ऑन देयर हॉर्सेस. अ स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड ब्लू ऑफ द नाइट्स हैट अलोंग विथ हिज विग. क्लियर हो गया यहां तक के? देखिए पढ़ने में कितना फटाफट पढ़ लिए, समझाने में कितना समय लगता है. सडन डिस्कवरी ऑफ द नाइट्स बॉल्डनेस अम्यूज्ड हिज फ्रेंड्स. दे नेवर न्यू दैट देयर जोवियल फ्रेंड वॉज बॉल्ड. They laughed at him and said, "Why you are as bald as an egg? You always pose yourself as a young man and fools us." Yes, I always tried to hide my baldness, but at the same time I was sure that my secret would be out someday. After all, when my own hair did not stay with me, how could I expect someone else here to stay with me forever? Said the knight and laughed heartily. When the friends saw the knight laughing at himself, they felt sorry for laughing at him. They said, "You are really a great sport. He who can laugh at himself will never become a laughing stock." ठीक है, क्लियर हो गया अच्छे से, एक एक चीज पढ़ लिया. तो भाई चाहे तो इसे क्या है और ज्यादा स्पीड से पढ़ा जा सकता है, लेकिन आप लोगों को क्योंकि इसे मुझे समझाना था इसलिए मैं क्या किया, आराम से इसे पढ़ा. तो भाई आपने देखा मैंने कितने डिटेल से है ना अच्छे से आप लोगों को बताने की कोशिश की है. यदि आपको पसंद आई हो ये रीडिंग क्लास, ऐसी और चाहिए आपको क्लास जो आप लोगों के लिए मैं और नए नए और कठिन वर्ड लाऊंगा. ये तो बहुत इजी था जिन्हों बिगिनर है उनके लिए, और ऐसे ऐसे कठिन वर्ड जिसे पढ़ने में मुंह लड़खड़ा जाता है ऐसे ऐसे वर्ड्स भी लेके आने वाला हूं. यदि आप लोग कमेंट करते सर ऐसी क्लासेस लाएंगे सॉरी तो फिर जरूर मैं ये करने वाला हूं. तो प्लीज़ कमेंट करेंगे अच्छी क्लास कैसे लगी, और इसके ट्रांसलेशन यदि आपको चाहिए तो भी कमेंट कीजिए. अगली वीडियो में इसका ट्रांसलेशन भी आपको बता दूंगा, ताकि रीडिंग तो आपको आ गई है, ट्रांसलेशन भी समझ आएगा, नया एक एक वर्ड का मीनिंग भी आपको समझ आएगा. तो ये थी क्लास, थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. आपका दिन शुभ रहे.